उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना के बाद हमारे सहयोगी नावेद खान ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं से प्रतिक्रिया ली। बता रहे हैं नेता लोग, सुनिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सरकार संवेदनशील सरकार है। तुरंत वहां पर जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक के अधिकारी और अन्य अधिकारी को बिठा रखा है। चीजें वहां पे सामान्य हो रही हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं जो भी दोषी होएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मंत्री जी, ये इसको हत्या करार दिया जाए या कि दुर्घटना है ये? देखिए, अभी तक जो सामने चीज आई है उसको आप कुछ मत करार करिए, खाली एक ही चीज पे ध्यान दे कि उसकी जो विवेचना है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही हो और जो दोषी हो उसको हम लोग सजा दें जो सरकार चाहती है, और उसके बाद आप मीडिया या अन्य कोई भी उसको कोई भी चीज कह सकते। अब जो एक दिन पहले मंत्री जी ने बयान दिया था जिनके जिनके पुत्र पे ये आरोप लगा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, FIR दर्ज है, तो आप और हम कोई नहीं होते उस पर कोई चीज पे टिप्पणी करने वाले, वो पुलिस का है। पुलिस जब रिपोर्ट रखती है जो भी होएगा उसके बाद जो अगला कदम होएगा कि उसको और कहीं और उस पर जांच करना कोई चाहता है नहीं चाहता है, सब चीजें होएंगी, उस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। लखीमपुर की खीरी में जो किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण हत्या हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सबसे तो पहले तो हम किसानों को श्रद्धांजलि देंगे और बाकी हमारे साथी बता ही चुके हैं उस बारे में, लेकिन हम लोग किसानों के लिए पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो दिल्ली में किसान बैठे हैं वो भी, जो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं वो भी, हर तरह की लड़ाई में समाजवादी पार्टी उनके साथ है। और कल हम लोगों के यहाँ कार्यक्रम लगाया माननीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी का, नहीं हम लोग आज ही धरने पे बैठते, और कल उनके कार्यक्रम को करने के बाद जो भी किसानों की रणनीति होगी और कोशिश होगी कि हम लोग जगह जगह तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन करें और किसानों की हर लड़ाई में समाजवादी पार्टी उनके साथ रहेगी। अब आपकी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी? बता तो दिए कि हर लड़ाई में हम उनके साथ रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर न होता तो आज ही हम लोग करते इस पे। लेकिन कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नरेश उत्तम पटेल जी का कार्यक्रम है, वो चित्रकूट जा रहे हैं, उनका स्वागत है। उनके जाने के बाद उनसे आदेश लेके हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे और चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, जो भी जरूरी होगा किसानों के लिए वो करेंगे। इस भाजपा आतताई सरकार को, मतलब जिसने खुलेआम मंत्री ने ये कहा कि मैं केवल विधायक सांसद नहीं हूं, मैं और कुछ भी हूं, मैं तो किसानों को बता दूंगा, तो क्या अन्नदाता को ये सरकार यही बताएगी? आपका नाम और परिचय? अरविंद मिश्रा, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। मंत्री जी, लखीमपुर खीरी कांड पे क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर खीरी पे क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की घटनाएं सभ्य समाज के लिए दुखद, जी कोई उसका समर्थन नहीं करता, जी जी, लेकिन जो भी दोषी है सरकार उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई कर। सर, एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया था उस पर क्या कहेंगे? दुखद घटना है, जो भी दोषी है। लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण हत्या हुई, इस पे समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? सर्वप्रथम तो देखिए, हम किसानों की जो हत्या हुई उन किसानों के प्रति कोटि-कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की स्टैंड की, तो हमारी समाजवादी पार्टी की स्टैंड एकदम क्लियर है, हम किसानों के साथ खड़े हैं और अंतिम समय तक किसानों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये घटना को किस रूप में देखा जा रहा है? नहीं, इस घटना को तो ये सुनियोजित साजिश है, हमारे निगाह में, समाजवादी पार्टी की निगाह में ये साजिशन हुआ है, जानबूझ के किसानों को कुचला गया है और ये निहायत निंदनीय घटना हुई है, इसकी निंदा करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कल आज जाना चाहते थे, तो क्या हुआ? सरकार ने क्या उनके साथ किया? नहीं नहीं, सरकार ने जो भी किया, किसी को आप अगर कहीं लोकतंत्र में जाने से नहीं रोक सकते हैं, हम अपनी संवेदना व्यक्त करने कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने हाउस अरेस्ट करके गलत किया है, ये अन्याय है, सरासर तानाशाही पूर्ण रवैया है ये। आपका नाम? इसकी हम वर्षना करते हैं। कामत प्रताप सिंह, जिला सचिव समाजवादी पार्टी। लखीमपुर खीरी की घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लखीमपुर में जो घटना कल हुई है, इसमें हम सबसे पहले किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कल लखीमपुर में जो घटना है, जब हमको इसकी जानकारी हुई तो हमने लखीमपुर में कुछ हमारे अच्छे मित्र हैं
उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मंत्री जी के लड़के ने किसानों पर बर्बरतापूर्वक गाड़ी चलाई, जो कि एक दो दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं नेता नहीं मैं गुंडा भी हूँ। ये सरकार की तानाशाही है, सरकार जिस तरीके से अपना कार्य कर रही है ये एकदम हिटलर जैसे तानाशाही का कार्य है, ये भारत देश के लिए उचित नहीं है। इसमें आपकी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी? अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो भी रणनीति होगी हम लोग उसी के तहत अपना अगला कार्यवाही करेंगे। नाम और परिचय? सचिन वैश, नगर अध्यक्ष, शंकरगढ़, समाजवादी पार्टी। अभी जो कल लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ किसानों की मौत हुई, ये इसको दुर्घटना कहा जाएगा कि हत्या? ये हत्या है और टोटल हत्या है। और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो जबरदस्ती से अन्याय हो रहा देश जो किसानों के साथ हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रति अन्याय हो रहा, किसानों के प्रति अन्याय हो रहा, समाज के प्रति अन्याय, गवर्नमेंट बिल्कुल जो है तानाशाह हो गई। इसमें आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करते हैं चारों को मुआवजा सबका दिया जाए और जो अन्याय किया है उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो। जैसा कि एक सत्तासीन मंत्री के केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है इस पूरी घटना में, अरे पूरी घटना उसका नाम है ही है, उसमें कौन आ नहीं रहा, वो उसका नाम है ही है, उसने नहीं तो जो सब कुछ कचल के मारा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के जत्थे पे जो नरसंहार हुआ है उसमें कई पार्टियों का पक्ष विपक्ष का अपना अलग अलग प्रक्रियाएं आ रही है। इसी कड़ी में आज चित्रकूट जाते हुए पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जो अपना बयान दिया, उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये जांच का विषय है, सरकार अपने स्तर पे जांच कर रही है। वहीं चित्रकूट जाते समय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ये जांच का विषय है, सरकार अपने तरीके से जांच कर रही है। मीडिया से बात करते हुए जब मीडिया के पत्रकारों ने पूछा कि ये हत्या है या दुर्घटना, तो कहे उनका जवाब था ये जांच का विषय है, अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं द्वारा इसे हत्या करार दिया गया और उनकी मांग है कि जो केंद्रीय मंत्री का बेटा जो आरोपी है उसे सच से सच बाप बेटे की सजा दी जाए। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये हत्या है या एक दुर्घटना। प्रयागराज से भारत TV 24 के लिए नावेद खान।